मैं मल्लिकापुर नगर पालिका के इस विराट जनसभा में मैं यानी कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा या फिर कुछ लोगों की नजरों में आपका अपना बिहारी बाबू, आज मैं यहां के बहुत ही शानदार जानदार दमदार भूतपूर्व एवं अभूतपूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और एक बहुत ही कद्दावर नेता, जनप्रिय लोकप्रिय ऐसे हमारे भाई पृथ्वीराज चौहान जी को, शिवराज जी को, जो श्रीनिवास जी पाटिल को जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनको, डॉक्टर इंद्रजीत मोहिते, रामहरि रूपांकर जी विधायक को, मनोहर शिंदे जी को, सौरभ पाटिल जी को, यहां उपस्थित मंच पे तमाम हमारे कांग्रेस के, एनसीपी के, यूटी के तमाम नेताओं को और कार्यकर्ताओं को, और सबसे ज्यादा साउथ कराट के अपने इतने प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। और ये सभा देखकर मैं कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पे कि सही मायनों में ये पृथ्वीराज जी की या श्रीनिवास जी पाटिल की या आप तमाम लोगों की ये प्रचार सभा नहीं है, बल्कि साफ महसूस हो रहा है कि विजय समारोह मनाया जा रहा है। विजय समारोह मनाया जा रहा है। आज तक कराट में, साउथ कराट में और मल्लिकापुर के लोगों ने, नगर पालिका के, आज तक कभी फेल नहीं किया है इन लोगों को, अपने लोगों को, हमारे लोगों को, बल्कि हमेशा नंबर वन बनाकर पास किया है यहां से। और आज फिर घड़ी आ गई है, और खासकर उस वक्त जब कुछ लोग और कुछ पार्टीज धन शक्ति का जबरदस्त दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र के ऊपर अपने प्रोपेगेंडा मशीन का, प्रचार तंत्र को हावी करते हुए जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जिस तरह से बहला रहे हैं, बरगला रहे हैं, उस घड़ी में चंद लोग जो डटकर जमकर शानदार तरीके से खड़े हुए हैं और जवाब देने को तैयार है, मुंह तोड़ जवाब देने का, उनमें से सबसे अव्वल नाम होगा हमारे अपने पृथ्वीराज चौहान जी का, हमारे श्रीनिवास जी पाटिल का। आप तमाम लोगों का अभी बहुत कुछ ज्यादा कहने की घड़ी नहीं है, मन आपका बन चुका है। ये इस वक्त डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, तमाम लोग धन शक्ति का प्रचार करते हुए और कुछ कहने को नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, सिर्फ प्याज टमाटर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी अभी कल परसों में आपने सुना होगा हंगर इंडेक्स दुनिया का भूख के मामले में जो सूचकांक आया है, हंगर इंडेक्स 117 देशों का मुआयना किया गया है। दुनिया के 117 देशों में भारतवर्ष का नंबर क्या है? 102। इतना नीचे यहां हंगर है, इतना नीचे गिर चुका है 102। पाकिस्तान भी जो है वो 90 के आसपास है, श्रीलंका जो है वो 60-65 के आसपास है, हमारा बांग्लादेश जो है वो भी करीब 80-88 के पास आसपास है, भारतवर्ष 102 पे है। महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, भूख से लोग किस कदर व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं। और उन बातों पे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सुन के आपको ताज्जुब होगा, करीब करीब 3 लाख लोग रोज बेरोजगार हो रहे हैं, रोज, हफ्ता में नहीं, महीने में नहीं,
पूरे देश में करीब करीब 3 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और जब उनसे इस बात का पूछा जाता है, आज आपको पीएमसी बैंक का देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं आप, क्या हुआ है, क्या कसूर है हमारे परिवार के लोगों का, हमारे भाइयों बहनों का, जिन्होंने अपना पैसा मुश्किल से जमा किया और उन्हें कहा जाता है कि आप 25,000 निकाल सकते हो 6 महीने में, फिर 40,000 निकाल सकते हो 6 महीने में। अरे आप होते कौन हो कहने वाले, पैसा हमारा है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम जितना चाहें बच्चे की शादी में, दवाई में, दवा दारू में जो खर्चा करना चाहो करेंगे, तुम रोकने और टोकने वाले कौन? किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही है। इसलिए जरा गौर कीजिए मेरी बातों को, मेरी बातों को मानना जरूरी नहीं है, मेरी बातों को आप सुन लें, लोकतंत्र का तकाजा है। अगर आपको लगता है सुनने के बाद कि मेरी बातों में सत्य है, तथ्य है, सच्चाई है, छल कपट नहीं है, मैं जो कह रहा हूं जनहित में कह रहा हूं, देश हित में कह रहा हूं, तब तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मौके की नजाकत को समझते हुए ना आप सिर्फ पृथ्वीराज चौहान जी को, श्रीनिवास जी पाटिल को, इनके तमाम लोगों को आप न सिर्फ बहुमत से विजयी बनाएंगे, बल्कि बहुमत से विजयी बनाते हुए आप देश को एक नई और सही दिशा देने का काम करेंगे। अभी जरूरत है आपकी एकता की, अभी जरूरत है आपके समझदारी की। आप रोजगार की बात करो, आप महंगाई की बात करो, आप हंगर इंडेक्स की बात करो, उसका जवाब मांगो तो कहते हैं धारा 370 हटा दिया हमने, वो कह रहे हैं कि अरे पार्ट ऑफ द नेशन पे कोई क्या बोलेगा और क्या बोलना चाहेगा जोश की घड़ी में, लेकिन उसके अलावा जब पेट में आग लगी हो तो भजन नहीं होता है। पेट में अगर आग लगी हो, महंगाई दबा रही हो, तो बाकी कुछ समझ में नहीं आता है। सबसे पहले पेट, सबसे पहले भूख, सबसे पहले रोजगार, ये चाहिए।